भाइयों बहनों, मैं बंगाल के लोगों का, उनकी ताकत का एक नया रूप आज मैंने देखा। आज मैंने बंगाल के लोगों की एक नई ताकत का दर्शन किया। कोई कल्पना कर सकता है इस सभा के मैदान में एक तिहाई हिस्सा गिर जाए, हर कोई मदद करके सबको बाहर ले जाए और बाकी सभा शांति से चलती रहे, ये शायद इतिहास में कभी नहीं होगा। मैं आपको जितना नमन करूं इतना कम है, मैं बंगाल की जनता को जितने पैर छू उतना कम है, ऐसी डिसिप्लिन कोई सोच नहीं सकता है। मैं गुजरात से आया हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि ऐसा हादसा होने के बाद भी लोग इतने प्यार से, शांति से, डिसिप्लिन से पूरी सभा का यह अद्भुत, ये घटना अद्भुत है और लोग भी पैंडल दब गया लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है, वो हटने को तैयार नहीं है। ये आपका साहस दीदी, ये दम देख लीजिए। ये डिसिप्लिन देख लीजिए, ये साहस देख लीजिए। प्राकृतिक आपदा भी जिनको हिला नहीं सकी, आपका जुल्म उनको कहां से हिला सकता है। भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का ये सभा जीवन भर स्मरण रहेगी, जीवन भर। सरकार की इतनी रुकावटों के बाद भी इतनी संख्या, लगातार बारिश के बाद भी इतने लोग, मैदान पानी से भरा हुआ है तो भी इतने लोग, और एक पैंडल का हिस्सा गिरने के बाद भी कोई हिलने का नाम नहीं लेता है, ये ताकत है, ये ताकत। मैं बंगाल को, बंगाल की जनता को और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साहस को शत शत नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।